बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी मैं आप लोगों को आलू चने की चाट बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये हर घर में बनती है, लेकिन हर घर के बनाने का तरीका अलहदा होता है। आज मैं आपको अपने घर के तरीके की बताऊँगी। सबसे पहले मैं एक प्याली में दही लूँगी, तकरीबन आधी प्याली दही लूँगी। सबसे पहले मैंने प्याली में ये दही लिया। दही को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इसी में मैं थोड़ी सी जो है मिल्क पैक की बलाई क्रीम जो है वो मैं मिक्स करूँगी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। आप देखिएगा ये जो क्रीमी दही बल्ले हैं इसका मज़ा आप देखेंगे, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। ये 2 चम्मच मैंने इसमें क्रीम जो है मिल्क पैक की वो डाल दी है। इसको मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसी में मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है वो चाट मसाले के डालती हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो चाट मसाला डालूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैं अपनी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको चेक करवाती हूँ किस तरह से है। ये मैंने तकरीबन हाफ प्याली जो है वो आलू लिए हैं, बॉयल आलू, जिनको कि मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें ये मैंने नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल के ये चने बॉईल कर लिए हैं। और ये देखें ये चने बड़े अच्छे बॉईल हुए हुए हैं, ये नहीं कि दांतों में लगेंगे, सख्त नहीं है। ये इस तरह के चने जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। हाफ प्याली ये है, जितने आलू हैं उतना ही ये है। ये मैंने जो है वो पकौड़ियाँ हैं, जिनको कि बल्लियाँ भी बोलते हैं, ये मैंने घर की बनाई हुई हैं। आपको मैं इसका तरीका भी इंशाल्लाह जल्द ही इसकी रेसिपी और बल्ले जो है वो सिखाऊँगी। ये जो है मैंने पानी में थोड़ी देर तक इसको भगो के रखा हुआ है, ये मैं इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये इस तरह से मैं इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये मैं इसको अच्छी तरह से ये मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये जो मैंने क्रीम और दही और चाट मसाला मिक्स किया है इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मैं सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि मैं डालूँगी ये टमाटर जो हैं वो थोड़े से, ये टमाटर थोड़े से मैं डालूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये कुछ सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट के बारीक सी रखी हुई हैं वो मैं डालूँगी। और ये मैंने घर की बनाई हुई पापड़ी है ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर मैंने जो खुबानी की चटनी बनाई हुई है वो आपके सामने वो भी डालूँगी। ये खुबानी की चटनी है, इसके साथ इसका टेस्ट और इमली की चटनी के साथ इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। खुबानी की तो मैंने आपको बता दी है, इमली की भी जल्द आपको बताऊंगी। इसके साथ ही जो है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने पुदीने और धनिया की जो चटनी बनाई हुई है जिसको कि सब्ज चटनी बोलते हैं उसका भी 1 चम्मच डालूँगी। इस तरीके से और साथ में छोटे बॉल्स में ये चटनियाँ जो हैं वो पेश भी करूँगी ताकि ये अगला अपनी मर्ज़ी से मिक्स कर सके। और साथ चाट मसाला पेश किया जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर ये जो पापड़ी है जो कि मैंने घर की बनाई हुई पापड़ी है ये इसके ऊपर डालूँगी और इंतहाई लजीज जो है वो पापड़ी चाट वैरायटी है। आप इसको बनाइएगा, खाइएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए ये दही बल्ले या आलू चने की चाट जो है वो बहुत ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको बल्ले की जो है दही बल्ले जो है वो बनाना सिखाऊंगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।